चाची राम राम। राम राम बेटी बैठ जा। चाची सुनने मारा, छोटी बहू बड़ी सुंदर है। बेटी बहू तो मेरी दोनों ही सुंदर हैं। हाँ चाची, बड़ी बहू की तरह छोटी बहू को कोई प्रॉब्लम ना हो। नीलम बेटी दो गिलास पानी ले आना। चाची बहू तो बहुत सुंदर है। ए भगवान, मेरे घर को किसी की नजर ना लग जा। चाची जिस घर में बांझ है तो उसे नजर क्यों लगेगी इस घर को किसी की। बहू को कुछ मत कहती है, भगवान की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सके हैं। चाची मैं ना कहूँ किसी को कुछ भी, पर बड़ी बहू से छोटी बहू को दूर रखियो। बड़ी ना सही, छोटी ही दादी बना सके तुझे तो। तू ठीक कह रही है। अच्छा चाची मैं तो चलूं, पर ध्यान रखिए छोटी बहू का। अजी सुनते हो? क्या बात होगी? कैसे हो डांस है? मैं कैसे बिना हो रही, मुझे ना पता, मुझे बच्चा चाहिए बस। देख पूनम, हम तो कोशिश कर सके हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। सब कुछ भगवान के हाथ में थोड़ी है। भगवान भगवान भगवान। देख पूनम, ज्यादा मत सोच, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही तो नहीं हो रहा, तभी तो कह रही हो कुछ करो। अच्छा बाबा समझ गया क्या करना है। तू एक काम कर, खड़ी हो, कपड़े चेंज कर ले, डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के? डॉक्टर के क्यों? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ ना हुआ। अरे बाप रे, कितनी भोली है तू। चेकअप कराने चलिए डॉक्टर के पास। बागपत में बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो देखते ही बता देगा क्या दिक्कत है। अच्छा चलो ठीक है, मैं साड़ी बदल के आती हूँ। ठीक। अजय माँ बैठ जाओ। मैं नो कह रहा था पूनम को डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँ दिखाने के लिए। क्यों, क्या हो गया पूनम को? माँ वैसे तो कुछ ना हुआ, बस वही बात, किसी ने मुझे डॉक्टर बताया बागपत में, बस उसी के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा दिखा ला बेटा, क्या पता भगवान हमारी सुनी ले। हाँ माँ। अरे वो माँ कुछ पैसे दे दो डॉक्टर को दिखाने के लिए। अच्छा कितनी देर में जा रहा तू? बस पूनम कपड़े चेंज करने गई है। ठीक है, जब जावे ना तो मेरे से पैसे लेता जाइए। ठीक है, ठीक है ना। गीता इतना टाइम हो गया, वो कब ने कुछ बाड़ा भी ना हुआ। आ गया बेटा तू? अरे इतना टाइम हो गया डॉक्टर को पैसे भूकते भूकते, अब लो उन्हें कुछ बताया ना। माँ पूनम माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कोई बात ना बेटा, अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे, बहू ज्यादा टेंशन ना ले। बेटा ज्यादा सोचे ना, तेरे नहीं होते कोई बात नहीं, छोटे भाई के बालक भी अपने ही हो। देख भाई तू ज्यादा टेंशन तो ले, जो नसीब में लिख रहा ना वो तो होके रहेगा। जा बेटा थक गया होगा, रोटी वोटी खा ले। नीलम तू एक काम कर, जा भैया को रोटी दे दे। आवा पिताजी, मैं यूं कह रहा था ठहरते हमें कुछ पैसा दे दो थोड़े घने। बाबू तो टेंशन ना ले, हमारे घर वाले तुझे बहुत प्यार करे हैं। हाँ हाँ पता है कितना प्यार करे हैं, जब से छोटी बहू आई ना देख रही हूँ कितना प्यार करे हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों को अपना मूड खराब मत करे करो। भाई साहब खाना खा ले। मैं ना खाती, खा लो तुम्हें।
अरे नीलम मेरा कच्चा तौलिया पकड़ाइए। अभी ला रही हूँ। तुम तौलिया लेके नहीं जा सके? तुझे कुछ परेशानी हो रही है पकड़ाने में? अरे नीलम, अरे जगोर पकड़ा दे। अरे तुम एक बार में भी तो बता सको। क्या हुआ, कैसे चिल्ला रही है? कुछ ना, या डर की दिखे। अब तक तू कैसे खड़ा नहाया ना? मैं तो नहा आया, या चिल्लाई, मैं तो इस मारे बाहर आया। क्या हो गया लाली? मम्मी जी वो छपकली गिर गई मेरे ऊपर। हाँ छपकली। बेटे तू जाकर रोटी बना ले। ठीक है माँ जी। अब नहा भी ले, यही खड़ा रहेगा। गीता, ए गीता। हाँ बताओ क्या बात है? अरे आजा बैठ के बात करेंगे। हाँ क्या बात है, आज तो अलग ही नजारे हैं आपके। ना ऐसी कोई बात ना, मैं तो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे? अरे मैं क्या सोचता, मैं तो नीरज के बारे में सोच रहा था। ए जी नीरज के बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? अब तो उसका ब्याह हो गया है, अपने आप करन लगेगा। अरे तू तो इसकी हिमात ले वे, अब तक तो इन्ना कुछ करा नहीं, आगे के करेगा? आगे इसके बालक नन्हे हो जाएगे, फिर क्या होगा? ए जी तुम तो नहीं करे जाओ, जब भी देखो नीरज के पीछे पड़े रहो। अरे मैं पीछे ना पड़ता, महंगाई इतनी हो रही, लोगों के करते करते गुजारे ना हो रहे, इसका क्या होगा? अजी सब हो जाएंगे गुजारे, हमारे किस चीज की कमी कोई ना है। 100 बीघे जमीन है हमारे, 2 ही तो बालक है। अरे माँ, अरे हमें कुछ पैसे दे दे। क्या हो गया बेटा? अरे होता के, नीलम की तबीयत खराब हो रही है। अरे क्यों हो गया लल्ला, ज्यादा दिक्कत तो ना हो रही? ज्यादा तो ना हो रही, अब तो आराम है, मैंने दवाई दे दी। अब मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर के तो और ले आऊं दवाई जाके। हाँ बेटा जल्दी चला जा, दवाई लिया। ठीक है बेटा ले, और बहू को भी लेता जा। ना पिताजी उसे आराम करो तो, मैं ही ले आऊ जाके। अरे बहू को भी देख ले जाके, ये यहीं बैठ रहेगी। हाँ जी देख रही हूँ जाके। क्या हो रहा गीता? बहू का झाड़ू लगा रही थी बहू, मैंने आराम करने को बोल दिया उसे। ये तो तन्ना अच्छा किया, बहू कितनी बढ़िया मिल रही है हमें। हाँ जी बीमार है, जब भी काम कर रही है। आज हमें बहू नहीं, बहू के रूप में बेटी मिल गई। अरे ले आ रहे दवाई? हाँ पिताजी मिल गई। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताई आराम की जरूरत है, और रोटी टाइम पे खाती रहेगी, और मिठा चावल यहाँ बंद कर दिया हमने। अरे एक बात तो बता भगवान, दो घड़ी मेरे दोरो बैठ कर दुख सुख की बतवा लेकर। बुढ़ापे में थोड़ी शर्म कर लो, मैं तुम्हारे दौरे बैठती हुई अच्छी लगूंगी, घर में दो दो बहू आ रही है। हटाओ, मैं तो देखो बहू को चल के। अरे वो तो ठीक है बहू की सेवा करनी, पर बुढ़ापे में थोड़ी घनी सेवा हमारी भी कर ले कर। क्यों जी थारी में सेवा ना करती?
अरे नीलम है खड़ी हुई है देखने के लिए। अरे तो इसे मिठाई खिला रहा नहीं तो कहां खा रहा मिठाई में हम तो पैसे लगा रहे तू इसे मिठाई खिला रहा। अरे माँ वो या भूल गई भूल। मम्मी जी मैं तो ठीक हूँ मैं बीमार नहीं हूँ मेरी मिठाई कब से बंद हो गई। अरे माँ जब बीमार थी अब ठीक है। अरे माँ ले तू मिठाई खा। अच्छा मिठाई खाई जा रही है यहाँ चोरी चोरी। तुम दोनों खा लो। माँ नीलम यूँ कह रही है माँ को मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है मैं तो इसे यूँ खबर आया कहीं मीठा ज्यादा तो ना आया इसमें। अच्छा जी खा लो तुम मिठाई जितनी खानी है खवा दूंगी तो मैं मिठाई तो। हाँ मम्मी जी ये सही बोल रहे हैं आप ही के लिए लाए थे। बेटा आपने अभी खिलाई थी मैंने खा ली। अजी सुनते हो जब से भी आवाज और किसकी सुन रहा मैं। बस बस अगर मेरी सुनते ना तो अब तक तुम पापा में मम्मी होती। देखी ताना ना मारे जो भगवान को मंजूर है होना तो वही है। भगवान तो खुद आवे ना करना तो हमें ही पड़ेगा। बता फिर क्या करूं सब कुछ करने को तैयार हूं मैं। अगर सब कुछ करने को तैयार थे ना तो ये नौबत ना थी बड़े अपने माँ के पल्लू के पीछे। अरे तुम कहाँ चली। कहाँ को जाती नहाने को जा रही हूँ गर्मी लग रही है। नहाना फिर भी पड़ेगा। क्यों अब नहा लूंगी फिर क्यों नहाना। हाँ भाई अब लगी गर्मी सी। हटो ना। नीलम बन गई रोटी। हाँ जी बन गई खा लो। भाई वाह ये स्वाद दे रात को लाजवाब लग रही। अरे ले एक टुकड़ा तो खा के देख। भाभी जी राम राम। ओहो रोटी खाई जा रही है। हाँ तू भी खा ले। जो जाओ गलत टाइम पे आवे पहले भाभी फिर माँ अभी मर गया। अरे भैया मन में क्या सोच रहे। अरे तो जो रोटी खानी हो तो खा अरे तो अपने घर जा। अरे कैसे छू मैं आ रहा। अरे छो की तो बात ही है हम जब इसके धोरा आवे कोई ना कोई मर जा आके तब तू मर गया। अजी तुम इन पे क्यों नाराज हो रहे हो। तू चुप की देरी रहे। अरे हाँ यूँ बताइए मुझे छपकली कहाँ था गई वहाँ। अजी वो तो मुझे माँ जी को देख के बोलना पड़ा। अरे के माजरा चल रहा है कोई हमें भी बताओ। हाँ इसे बताओ के माजरा चल रहा है खड़ा ही चलते बाहर बताऊंगा। जब मैं तेरे से कह रहा हूँ मेरी गैल चल तो सुनता क्यों ना है। अरे भाई माजरा के यू तो बता यहाँ क्यों ले आया। अरे तुझे माजरा बताऊंगा तू यूँ बता के खाएगा। खाने की तो ऐसे बूझ रहा जैसे तन्ने हलवाई बिठा रखे हो मैं ऑर्डर दूंगा और बन जाएगा। अरे ज्यादा अच्छे सपने ना देख चल दुकान पे जो तू कहेगा वही दुआऊंगा तुझे आज। अरे सच में। अरे भाई सच में मैं तुझे इस मारा चीज दुआ रहा हूँ कि तुम्हारी कल तक घर मत आएंगे। मेरी माँ मेरा बाप
मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे पीछे पड़े रहे, ढंग में बहुत बात भी नहीं करना दे रहे, और तो ऊपर से तू मर गया आके। भाई एक काम करो, यू काम थारा मैं कर सकूं। वो कैसे? थारी नहीं आता मैं कुछ भी कर सकूं, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा, बता के। मैं थारी मम्मी पापा और भाई भाभी ने हिले में लगा दूंगा, पर तुम्हें भाभी तक कह के एक काम कराना पड़ेगा। अरे भाभी है मेरी, क्या करना चाह रहा तू? पहले सुन लोगे क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले सुन तो लो, भाभी तय कह के उनकी फ्रेंड को बुलवा लो। वो क्या करेगी यहाँ? करेगी तो वही, मैं तो बस उसके इशारे पे चलूंगा। अरे कुछ बतावेगा भी? अब तो बस देखना, अगर मेरे किसी भी काम पे सखो तो कोई बात ना, मैं तो आज ना जाने का, पर माँ पिताजी भाई भाभी ना रुकते किसी से। अरे तू जैसे कहेगा वैसे होगी। ठीक है तो कल सुबह 10 बजे तक आ जानी चाहिए भाभी की फ्रेंड। ठीक है जैसे तू कहेगा वैसी करेंगे, पर प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया। बस तू देखता जा, पता मैं कैसा दिखाऊंगा यू। हम तो वैसे ही परेशान हुए फिर। दीदी मैं आपको काफी टाइम से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रही हो। कुछ ना, तू अपना काम कर। दीदी आप नाराज क्यों हो रही हो? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बता सकती है, मैं भी तो आपके बहन जैसी हूँ। बहन जैसी है, बहन नहीं है, समझी? और तू जा, मुझे अकेला छोड़ दे। दीदी बताओ तो मुझसे क्या गलती हुई है? गलती तुझसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। दीदी मुझे बताओ तो सही मुझसे क्या गलती हुई है? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तू जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। कैसे उदास हो रही है? नहीं जी कुछ नहीं हुआ। कुछ ना तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तू रुक। मैं कह रहा हूँ करा सविता को फोन करना है। हाँ करा, 10 बजे कह रही आने वाली होगी, बस बुलाया क्यों उसे? अरे तू चुप रहे, बस आज हमें कुछ देखना है। क्या देखना है देवर जी? आज कोई खास बात है क्या? अरे भाभी खास बात कुछ ना है, मैं तो यूं करा, देखिए मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा, और तुम भी देख लो। तुम दोनों ही देखो, मौसम तो साफ है। अरे ले सविता का फोन आ रहा। हेलो। हाँ सविता कहाँ पहुँची? मैं तो वहीं आ गई जहाँ जीजू ने बोला था। तू मुझे दे। हाँ सविता, अरे तेरे पास डब्बू पहुँचने वाला है। अरे वो तुझे कुछ बताऊगा, पर तू एक काम करिए, तू उसे हमारे घर आके कह दी। ठीक है जीजू, आप ही बता दो क्या कहना है घर वालों से। उसे ही बता, वो ही बताऊगा, और तू एक काम कर रुक, उसे फोन करूंगा। ओके जीजू। अरे कहाँ मर गया? आ गई वाह। ए आ गई। अरे जल्दी पहुंच जा, जो करना कर ले अब। ठीक है निकलूं। क्या है, डराने को बुलाया मुझे? हैं? तू डर गई? मैं तो तुझे शेर नहीं समझू था। मैं कुछ भी हूँ, तू ये बता क्या कहना है घर जाके? अरे बता दूंगा, पहले हाल चाल तो ले लू तेरे। मैं ठीक हूँ, तू काम बता, काम क्या है? आ जा चल कुछ खा पी ले। ऐसा है, मैं घर से खा पी के आई हूँ, तू काम बता जल्दी। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है, मैं सोच रहा भाई की साड़ी है तू, तेरी खातर पानी कर दूं। वो भी कर लियो, लेकिन जो काम करना है पहले वो तो कर ले। मैं तो कब तक तैयार हूँ, तू कुछ करण तो दे। क्या कर रहा है तू? वो मैं कुछ कान में कहूँ था, अगर इजाजत हो तो कहूँ। हाँ क्या?
सबको राम राम। आजा लल्ली बैठ जा। नीलम बेटी पानी ली है? ना चाची, मैं पानी तो पी के आई, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है बेटा, बता दे। कल मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसने बता रहे थे। यूट्यूब पे आप के बताने लगे? अरे चाचा सुन तो लो। अरे पिताजी सुन तो लो, बताना के बताने आई लाली। हाँ लाली तू बता, यो बुड्ढा तो फालतू बोलता रहे। सुनो फिर, वो बता रहे थे आज 11 बजे ग्रहण पड़ेगा और सारे में धुआं धुआं हो जाएगा और जो इस ग्रहण की चपेट में आएगा ना, भगवान ही मालिक है फिर उसका। लाली और कुछ ना बता सके, तू डरा नहीं गया? तू बुड्ढे चुप रह। लाली ग्रहण से बचने का कोई उपाय भी है? बताया तो है, शायद ये कह रहे थे सबको अपने कमरे में रहना पड़ेगा। और 6 बजे से पहले कमरे से निकलना नहीं है। और एक बात ध्यान रखनी है, किसी के कमरे में नहीं जाना है। मम्मी आ जाएंगी, छोड़िए अभी। अरे कहाँ मम्मी आ रही थी, बैठ तो सही। आ तो कुछ कर ले। देखो जी इन सब के लिए बहुत टाइम है, आप काम ढूंढ लो जाके। अरे मेरा बच्चा, मेरे काम की कितनी फिक्र है? अरे मुझे काम करने की जरूरत है। अरे खेती बहुत सारी है और मैं काम क्यों करूं? आप खेत का काम भी कहाँ करो, अब हमारी शादी होगी है, मेरे खर्चे कौन उठाएगा? अरे तेरे खर्चे भी है? तेरा क्या खर्चा? तेरी 2 रोटी सुबह की और 2 शाम की। रहने दो, बस खर्चा बस रोटियों का ही हुआ। अरे तेरी मेरी नखरों का नखरा। मुझे नहीं नहीं लगते, नहीं नहीं पजेब, और कुल्लू मनाली घूमना है। अगर आप मेरे खर्चे पूरे कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपसे नाराज हूँ। और तेरी तो नाराज हूँ, जब ब्याह करा तो नखरे से उठाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ चली? चुप तो ऐसे रहा, ये तो तुझे ग्रहण लगने वाला है। कौन सा ग्रहण? ये तो भाई भाभी को मिलवाने की नहीं किया। गुस्सा है ये मेरे से? किस तरह गुस्सा? भैया का काम हो गया, चलो अम्मा। सॉरी यार, मुझे गलत लगा इसलिए मैंने तुझे चाटा मार दिया। कुछ कहा तो ना मैंने, चलने दे। दुआ खत्म हो गया, देखे चलिए। चल तू इंडिया को मर जा, 6 बजे से पहले कोई ग्रहण खत्म ना होने का। बालकों को भी बोल दे कभी वो बाहर निकल जा। अरे नीरज राजेश, बाहर ना निकलना जब तक तेरे पिताजी बाहर ना आ जावे। अरे मैं बाहर को जाऊंगा जब मेरा पटाखा मेरे पास है। चल बुड्ढे शर्म कर, उम्र देख अपनी। उम्र? अरे उम्र ही तो बचपन की, दिल तो बचपन का। कर ले आज जवानी वाली दो बात याद। बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ ना कहे ना कोई देखे। आज जो ग्रहण पड़ा ना, किसी की भलाई के लिए पड़ा। आजा तुझे कर दूं मैं खुश। हमारे घर में तो बहू बहुत बढ़िया आई। ये तो तुम सही कह रहे हो। ए भगवान धन्य हो जो तन्ने मेरे घर में लक्ष्मी जैसी बहू दे दी। तुम सही कह रहे हो, हमारी बहू बहुत बढ़िया, सारे दिन काम में लगी रहे। तू सही कह रही है, अन्य मारे नीरज के ऐसे कहाँ नसीब थे। भाग खुल गए इसके, वरने इस निकम्मा का कौन ब्याह कर रहा? तेरा भाई है छोटा, इतना बुरा भी ना, ऐसा ना बोलते। ये भगवान जो करा अच्छा करा है। माँ जी पिताजी के लिए खाना बना दूँ? बना दे बेटी। और वो कहाँ है नीरज? वो तो सो रहे हैं अभी। बेटा उठा दियो उसे।
सुनिए जी, सुनो पिताजी बुला रहे हैं। मेरे पिताजी को क्या काम है मुझे बुलाने से अलग है, तुम काम करा दो सो जा। अरे कोई आ जाएगा, आपको पिताजी बुला रहे हैं। अरे कोई ना आ रहा है यहाँ। मम्मी जी आ जाएंगी। अरे ना रही कोई, तू सो जा रहा। कोई आ जाएगा, पिताजी बुला रहे हैं आपको। अरे कोई ना आ रहा है यहाँ, तू पड़ी रह आराम से। मम्मी जी आ जाएंगी। छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। अरे उठ भी जा, तेरे पिताजी बुला रहे हैं तुझे। के कह रहे हैं पिताजी? जाकर सुन ले, पता ना क्यों बुला रहे। देख ले, दिखना ही बंद हो गया, अड़ के चले। अब तो खड़ी रहेगी। हाँ मम्मी जी, कुछ चाहिए? मेरा पेटीकोट निकाल दे, नहाऊंगी मैं। जी मम्मी जी, अभी निकाल दूं। वो ट्रैक्टर खेत में गया था, बुगु छुड़वा दी थी भाई। आ पिताजी, आ जा, तेरी बाट थी, कुछ काम इल्ला भी कर ले कर। हाँ पिताजी, सोच तो मैं भी नहीं रहा। अगर तू सोचता तो सोगा इस टाइम ना उठता। मैं नहीं सोच रहा पिताजी, मैं खेत का काम करूँ, पर मेरे तो खेत का काम होता ना है। ऐसा है, तेरे चाचा की कपड़ों की कंपनी है चांदनी चौक में, मैं उससे बात कर लूंगा, तू वहां चला जाइए। मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? तू पागल हो रही है कि अकेला कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ? घर में माँ है, पिताजी है, भाई है, भाभी है, सब तो हैं, और शाम को आ लूँगा उल्टा। मेरा जी घबरा रहा, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना पूरे दिन? यार तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं, अगर मैं काम ना करूँगा तो कैसे गुजारा होगा? मार पिताजी कब लो देंगे मुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं तेरा हूँ तेरा, ये वादा है मेरा, मैं पीछा ना छोड़ू तेरा। पक्का? हाँ पक्का, ये वादा है नीरज का, जिसे मौत भी अधूरा नहीं कर सके। नहीं मैं नहीं रह सकती आपके बिना, आप कहीं मत जाओ। बावड़ी रोती ना है, तू शेर की घरवाली है, अपना ध्यान रखिए और मार पिताजी खूब सेवा करिए, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? के लिए तू सब छोड़ दे है मेरे लिए अपना दिल तोड़ दे, जीने के लिए दिल मैं दूंगी, आंखों के आंसू मेरी और मोड़ दे, सांसें रुकी नहीं पर जाने क्यों मर रही हो, दूर जाने से तेरे हाय मैं डर रही हो, सांसें रुकी नहीं पर जाने क्यों मर रही हो, दूर जाने से तेरे हाय रही है किस्मत तो मेरी मुझ पर ही हंस रही है, तू ही मुझे बता कैसे करूं मैं तुझको बयां, जिस्म ही नहीं मेरी रूह में मर रही है, थामा हाथ तूने जब से सीखा मैंने जीना से, करते एक सितम अब हम पे बन जा तू हमारा, बाटा था सफर जो तुमसे गलती क्यों हुई फिर हमसे, जाने से तेरे अब हो गए हम तो बेसहारा,
सारा यारा हम तो बेसहारा, हम तो बेसहारा। सांसे रुकी नहीं पर जाने क्यों मर रही हो, दूर जाने से तेरे हाय मैं डर रही हो। सांसे रुकी नहीं पर जाने क्यों मर रही हो, दूर जाने से तेरे हाय मैं। अरे नीरज भैया, आज कहाँ जाना हो रहा? अब मैं काम करने लगा। और पिताजी भी यूँ कह रहे, अगर तू काम ना करेगा तो कहाँ ताबगा? और तेरी भाभी भी तो है, उसे भी नई नई चीज दुआनी पड़ेंगी, तो इसलिए काम कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, भाभी को अकेला छोड़ के जा रहे हो, वो अकेले कैसे रहेगी? रह लेगी। अरे एक काम करिए, घर की ओर को हो ये, और थोड़े घने ध्यान तू भी रख लिया करिए अपनी भाभी का। मैं तो ध्यान रख लूंगा, पर तुम अपना ध्यान रखियो। चल मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलूँ। और तू घर की ओर को है ही एक बार। ठीक है भाई। दीदी आप देख के नहीं चल सकती, आपने मेरे हाथ में पैर रख दिया। मैं क्यों रखती पैर, तू पड़े गुना मर सके। दीदी मेरी क्या गलती है, मैं तो सिर्फ पोछा लगा रही थी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू बड़े बाप की बेटी है, जो मैं तेरे से ऐसा बोलूंगी? दीदी इसमें बड़े बाप की कौन सी बात है, तू अब जुबान भी लड़ाने लगी? दीदी मैं जुबान नहीं लड़ा रही, पर गलती आपकी है। अच्छा तू सिखावेगी मुझे गलती किसकी अब? अरे तू भाई वाह, दिल को सुकून सा मिल गया। अच्छा एक बात तो बता, तेरे से मेरा वजन तो झिलता ना, मुझे कैसे झिलेगा? कौन कह रहा वजन ना झिला, वो तो मैं तेरी मोहब्बत में सोगा। अच्छा सा लगा, आ गई नींद। क्यों यार मुल्ला, तू दब गया वजन में। अब के नू कह दू तू मोटी, तू तो मेरी जान है, चाहे तू मोटी हो या छोटी। क्या सच में इतने प्यार करते हो क्या? कौन कह रहा देर तक मैं प्यार करूँ? अच्छा तू तो प्यार नहीं करता। मैं तो चाहूँ कि तू इस दिल से बाहर ना निकले। वैसे कहाँ जा रही है बंठन के? मैं तो तुझे पटाने आई, लेकिन तो पहले पटा हुआ। अच्छा अरे मुझे छोड़, अरे नीचे छोड़। अगर इसके बच्चा हो गया तो मेरी पूरी फैमिली इसकी हो जाएगी, और मुझे कोई प्यार भी नहीं करेगा। इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ तो करूंगी इसका। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे कैसे परेशान हो रही? कैसे भी नहीं, बस तुम कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। बात तो बता, बात क्या हुई? कुछ नहीं, बोला ना मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। कैसे छोसी मारी है? तुमसे बोला ना मेरे को अकेला छोड़ दो, जाओ तुम। बात क्या हुई, बात तो बता। समझ नहीं आती तुमको, जाओ यहाँ से। चल ठीक है।
बेटी मैं तेरा दर्द समझूं, पति से ऐसी बात ना करते। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। बेटी चुप रह, सब ठीक हो जाएगा। दीदी आप ज्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है बेटा, हम तेरे साथ हैं। जो बच्चे नीलम का होंगे वे भी तो तेरे ही हैं। अगर इसके औलाद होगी तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, इसका इलाज तो कुछ करना ही होगा। क्या सोच रही हो दीदी, ज्यादा सोचने से दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं। चल बेटे इसे अकेला छोड़ दे, मूड अच्छा हो जाएगा, सो जा जा। मम्मी जी आप अंदर बैठो, मैं नहा के आती हूँ। क्या करूं क्या करूं। झूठ बोलेगी।